दोस्तों वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हादसे बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप किसी को सुनाएंगे तो आपकी बात का विश्वास बिना प्रूफ देखे तो मानेंगे ही नहीं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम आपको सारे हादसे प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो अगस्त 2018 का है जब ये डॉग कार को देखकर उसकी तरफ आने लगा, लेकिन उस कुत्ते को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कार सिर्फ इसीलिए रुकी थी क्योंकि वो एक बड़े से अजगर को रोड क्रॉस करते हुए देख रही थी। कुत्ते का पूरा ध्यान कार की तरफ ही था, उसने सांप को देखा ही नहीं। लेकिन जैसे ही कुत्ते का पैर इस विशाल अजगर पर पड़ा, कुत्ता फौरन चौकन्ना हो गया और पीछे हट गया। इस सांप को भी देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इसने भी कोई भारी भरकम चीज खाई हुई है, जिसकी वजह से इसने इस कुत्ते पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों इस वीडियो में एक बच्ची को खेलते वक्त सांप ने काटने की कोशिश की। ये वीडियो थाईलैंड की है जब 5 साल की ये बच्ची अपनी बहन के साथ खेल रही थी और उसकी माँ वीडियो बना रही थी कि तभी इस बच्ची पर एक सांप ने हमला कर दिया। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इस सांप ने बच्ची पर हमला किया, लेकिन जरा और गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सांप रोड क्रॉस कर रहा था और गलती से बच्ची का पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया, जिसकी वजह से बौखला कर सांप ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्ची सांप के हमले से बच गई और सही सलामत रही। दोस्तों ये घटना तब की है जब नॉर्दर्न थाईलैंड के एक पुलिस स्टेशन में कोई शख्स किसी बात की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था, और आप देख सकते हैं कि कैसे दरवाजे की तरफ से एक बड़ा सा सांप सीधा इस आदमी की तरफ आता है। दोस्तों इस वीडियो में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा पुलिस स्टेशन था, सांप कहीं भी जा सकता था, लेकिन ये सांप सीधा इस आदमी पर ही हमला करता है। लेकिन ये आदमी भी लगता है सांपों को पकड़ने में उस्ताद है, क्योंकि इतने पास सांप को अगर हम और आप देख लें तो हमारी तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती। लेकिन इस आदमी ने पैरों की मदद से उस सांप को दबाए रखा और फिर अपने हाथों से सीधा उसके मुंह को पकड़ लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेशन में मौजूद पुलिस भी इस सांप के आसपास नहीं जाना चाहती और इस शख्स को सांप को बाहर ले जाने के लिए कहती है। दोस्तों इस वीडियो में एक फिशरमैन तब हैरान रह गया जब उसने एक अजीब रहस्यमय समुद्री जीव को देखा जिसके दर्जनों काले टेंटिकल्स थे। दोस्तों 41 साल के दिशा सरछाई जब फिशिंग कर रहे थे तो उनके जाल में लंबे लंबे पैरों वाला एक अनोखा जानवर फंस गया। मछुआरे ने इस जीव को एक डंडी की मदद से हिलाने डुलाने की कोशिश भी की और फिर अपने मोबाइल से अच्छे तरीके से इसकी वीडियो बनाई और इसके बाद उस मछुआरे ने उस जीव को जला दिया। दोस्तों अगर आपने ऐसा जीव पहले इंटरनेट पर या कहीं भी देखा होगा तो हमें इसका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों ये वीडियो इंडोनेशिया के बाली से जून 2019 को कैप्चर की गई। एक घर के मालिक को इस अजीब से जीव को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, और फिर उसने इस जीव की वीडियो बना ली। घर के मालिक का कहना है कि जीव काफी डरा हुआ था और घर में छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए घर के मालिक ने इस क्रिएचर को अपने घर में रहने दिया। लेकिन उसने ऐसा जीव अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हम आपको इस जीव का नाम बताते हैं, इसका नाम है क्रैगनॉट गांजीज और इसे कार्ल नाम के एक साइंटिस्ट ने सन 1763 में ढूंढा था। देखने में ये किसी एलियन की तरह लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत सीधे और हार्मलेस होते हैं जिनसे इंसानों को कभी कोई खतरा नहीं होता। हाँ लेकिन अगर आप इन्हें खाने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर हमले पर उतावले हो सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्द अगली वीडियो में, धन्यवाद।